हेलो दोस्तों, इस ऑडियो लेसन के अंदर हम सेक्शन 18 टू सेक्शन 30 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को ख़त्म करेंगे। लास्ट वीडियो तक हमने सेक्शन 17 को ख़त्म कर लिया और उससे पहले हमने सेक्शन 16 तक देखा था और उससे पहले हमने वीडियो के अंदर देखा था कि कौन से टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। तो बेसिकली सेक्शन 17, 18, 31 एंड 49 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो सेक्शन 17 के ऊपर हमने एक सेपरेटली वीडियो देखी तो आप उसको देख सकते हैं, सेक्शन 17 की वीडियो को। उसको हमने डिटेल में समझा था कि सेक्शन 17 के अंदर क्या दिया गया है। अब हम आते हैं सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 30 तक। तो सेक्शन 18 के अंदर सबसे पहले हमें उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है जिनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, जबकि सेक्शन 17 के अंदर हमें उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया था जिनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, जिनको हमें रजिस्टर कराना ही कराना पड़ता है, जहाँ पे हमारी कोई डिस्क्रिशन नहीं होती। लेकिन सेक्शन 18 जो है वो हमें मैंडेटरी सेक्शन नहीं है, वो हमारी डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है वेदर वी वॉन्ट टू रजिस्टर आर डॉक्यूमेंट और नॉट। सो इस सेक्शन को अगर हम रीड करें तो इसके अंदर क्या दिया गया है, एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स में भी रजिस्टर अंडर द एक्ट नेमली। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है कि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया है, मे। तो मे मतलब ज़रूरी नहीं है, आपको ठीक लग रहा है तो रजिस्टर कीजिए, अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गेट इट रजिस्टर्ड। अब देखिए क्लॉज ए क्या बोलता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो ऑप्शनल है। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए, इंस्ट्रूमेंट्स अदर देन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट्स एंड विल, कि कौन से इंस्ट्रूमेंट, गिफ्ट और विल के इंस्ट्रूमेंट्स को हटा दीजिए, उनके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट हैं विच परपोर्ट और ऑपरेट टू क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश वेदर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर एनी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट वेदर वेस्टेड और कंटिजेंट ऑफ द वैल्यू लेस देन 100 rupees टू और इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे हमने सेक्शन 17 में डिटेल में समझा था इस क्लॉज को, जो उसके अंदर बी क्लॉज था, जब वैल्यू 100 rupees से या 100 rupees की उससे ऊपर की वैल्यू होती है तो फिर उसको रजिस्टर कराना मैंडेटरी हो जाता है। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को के अंदर कोई भी राइट क्रिएट कर रहा हो, डिक्लेयर कर रहा हो, कोई भी राइट हो या टाइटल हो या इंटरेस्ट हो, चाहे वो वेस्टेड इंटरेस्ट हो, चाहे कंटिंजेंट इंटरेस्ट हो, कैसा भी इंटरेस्ट हो, और अगर उसकी वैल्यू 100 rupees से ऊपर है या 100 rupees है तो उसको रजिस्टर कराना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन सेक्शन 18 बोलता है कि अगर उसकी वैल्यू 100 rupees से कम होती है तो फिर वो ऑप्शनल है, उसको आप चाहे तो रजिस्टर करा सकते हैं, चाहे तो रजिस्टर नहीं करा सकते। लेकिन अगर हम आज की सिचुएशन देखें तो ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जिसकी वैल्यू 100 rupees से कम होगी, क्योंकि कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती ही नहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 rupees से कम हो। फिर हम क्लॉज बी के ऊपर आएँ, इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग द रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ सर्टन डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, लिमिटेशन और एक्सटिंक्शन ऑफ एनी सच राइट, टाइटल और इंटरेस्ट, कि इस तरीके का कोई भी एक्नॉलेजमेंट हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो जो एक्नॉलेज कर रहा हो रिसीप्ट या पेमेंट को किसी भी कंसिडरेशन की, जिससे कि क्रिएट हो रहा हो, डिक्लेयर हो रहा हो, असाइनमेंट हो रहा हो, लिमिटेशन हो रहा हो, एक्सटिंक्शन हो रहा हो, इस तरीके की किसी भी राइट का, टाइटल का या इंटरेस्ट का। तो ये हमें क्लॉज बी के अंदर बोला गया। फिर उसके बाद क्लॉज सी देखें तो ये बताता है, जैसे वहाँ पे जब हमने देखा था उसके अंदर बताया गया था तीन तरीके की लीज थी जिनको रजिस्टर कराना मैंडेटरी होता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year, कि अगर ऐसी लीज की जा रही है जिसका टर्म 1 year को एक्सीड नहीं कर रहा तो फिर वो लीज रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है, या फिर ऐसी लीज जो सेक्शन 17 के अंदर एग्जम्प्ट की गई हैं। तो इस तरीके की लीज को रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है वेदर यू वांट टू रजिस्टर दोज डॉक्यूमेंट्स और नॉट। फिर इसके अंदर क्लॉज सीसी को जोड़ा गया जिसके अंदर क्या बोला गया, इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और अवार्ड व्हेन सच डिक्री और ऑर्डर और रिपोर्ट परपोर्ट्स और ऑपरेट और क्रिएट डिक्लेयर असाइन लिमिट और एक्सटिंग्विश वेदर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर एनी टाइटल राइट इंटरेस्ट वेदर वेस्टर्ड और कंटिंजेंट ऑफ वैल्यू लेस देन 100 rupees टू और इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि असाइन कर रहा है या फिर ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई भी डिक्री या ऑर्डर जो कि कोर्ट के द्वारा दी गई है, या फिर कोई भी अवार्ड जिसके द्वारा क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, असाइन हो रहा है, लिमिट हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है, किसी भी प्रकार का राइट, टाइटल या इंटरेस्ट किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जिसकी वैल्यू 100 rupees से कम है,
तो वहाँ पे भी आपकी डिस्क्रिशन आ जाएगी, आपकी मर्जी आ जाएगी, आप चाहें तो उसको रजिस्टर करा सकते हैं, आप ना चाहे तो उसको रजिस्टर ना नहीं भी करवा सकते। फिर क्लॉज डी के अंदर दिया गया कि इंस्ट्रूमेंट्स अदर देन विल्स विच परपोर्ट टू ऑपरेट टू क्रिएट डिक्लेयर असाइन लिमिट एक्सटिंग्विश एनी राइट टाइटल इंटरेस्ट टू और इन मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी जब होगी उसके अंदर कोई भी अगर राइट क्रिएट हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, असाइन हो रहा है, लिमिट हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है किसी भी प्रकार का कोई राइट टाइटल इंटरेस्ट, तो वहाँ पे भी आपकी डिस्क्रिशन है। तो इसलिए कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होती है तो आपकी मर्जी है, आप उसको रजिस्टर कराना चाहते हो तो रजिस्टर करा सकते हैं, आप नहीं रजिस्टर कराना चाहते तो नहीं भी रजिस्टर करा सकते। इसलिए जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उनको ज़रूरी रजिस्टर नहीं कराया जाता। इस ऐसे ही अगर कोई भी विल्स होती हैं तो विल्स को भी आपकी मर्जी है, आप उसको रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसको करा सकते हैं, अगर आप उसको नहीं रजिस्टर कराना चाहते तो नहीं करा सकते। तो विल जो होती है वो ऑप्शनली रजिस्टरेबल होती है, और अगर कोई व्यक्ति उसको रजिस्टर नहीं कराता तो उससे कोई भी एडवर्स इंटरफ्रेंस नहीं निकाला जाएगा, मतलब कोई भी एडवर्स मीनिंग नहीं निकाला जाएगा। फिर उसके बाद एफ क्लॉज के अंदर बोला गया ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 टू बी रजिस्टर्ड, और जो भी सेक्शन 17 के अंदर डॉक्यूमेंट्स बताए गए उनके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सारे क्या कहलाएंगे, ऑप्शनल बताएंगे। अगर आप चाहते हैं तो रजिस्टर करा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो उनको रजिस्टर नहीं करा सकते। फिर आते हैं हम सेक्शन 19 के ऊपर, ये हमें बताता है कि डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, की अगर कोई जो डॉक्यूमेंट है वो ऐसी लैंग्वेज के अंदर है जो कि रजिस्ट्रार के द्वारा समझी नहीं जा रही है, उसको समझ नहीं आ रही, तो फिर क्या होगा। इफ़ एनी डॉक्यूमेंट ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन बी इन अ लैंग्वेज विच द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर डज नॉट अंडरस्टैंड, कि भाई ऐसी लैंग्वेज के अंदर उसको प्रेजेंट किया गया जो कि रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को समझ नहीं आ रही, एंड विच इज़ नॉट कॉमनली यूज इन द डिस्ट्रिक्ट, और वो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉमनली यूज भी नहीं होती, तो ही शैल रिफ्यूज टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट, तो वो क्या करेगा उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से रिफ्यूज़ कर देगा। शैल वर्ड यूज हुआ है तो वो उसको मतलब कि सोचना नहीं है, उसको उसको रिफ्यूज़ कर देना है, अनलेस इट इज़ अकम्पेन्ड बाई अ ट्रू ट्रांसलेशन इन टू अ लैंग्वेज कॉमनली यूज इन द डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो बाई द ट्रू कॉपी, की जब तक कि उस जो दूसरी लैंग्वेज के अंदर डॉक्यूमेंट है उसके साथ क्या नहीं लगा दिया जाता, उसकी ट्रू ट्रांसलेशन नहीं लगा दी जाती उस लैंग्वेज के अंदर जो कि उस जगह पर यूज़ होती है उसकी ट्रू कॉपी के साथ में। तो ये सेक्शन 19 के अंदर बताया गया, मतलब कि ये सेक्शंस ऐसे हैं जिनको हम बेरेक में से भी एक बार रीड कर लेते हैं तो एनफ होते हैं, इनको हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। 18 सेक्शन को आप जितना पढ़े उतना कम है, सेक्शन 17 को जितना पढ़े उतना कम है, सेक्शन 31, सेक्शन 49 उसको जितना डिटेल में पढ़े उतना कम है, लेकिन जो बाकी सेक्शन हैं उनको आप थोड़ा बहुत डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन जो कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनको अगर हम बेरेक से भी रीड कर लें तो काफ़ी होते हैं। फिर आते हैं हम सेक्शन 20 के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग इंटरलिनेशंस, ब्लैंक्स, इरेजर्स और अल्ट्रेशंस, की अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर किसी भी तरीके की इंटरलाइनेशंस होती है, उसके ऊपर बीच में कोई भी काटा पीटी करके कोई भी लाइन से उसको कुछ भी ऐड किया गया होता है, कोई ब्लैंक्स होते हैं, किसी चीज़ को मिटाया गया होता है, किसी भी तरीके से अल्ट्रेशन की गई होती है, तो ये जो चीज़ होती है ये जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर होता है उसकी डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वो रिफ्यूज़ करना है या फिर एक्सेप्ट करना है उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना जिसके अंदर कोई भी इंटरलिनेशन, ब्लैंक है या इरेजर है या फिर अल्ट्रेशन अपीयर हो रही है, या फिर जो अगर ऐसी कोई चीज़ अपीयर हो रही है तो फिर जो भी पर्सन उसको एग्जीक्यूट कर रहा है उस डॉक्यूमेंट को, उसको वो अपने सिग्नेचर से या फिर अपने इनिशियल से वहाँ पे साइन कर दे, मतलब कि वहाँ पे अपने इनिशियल्स डाल दे या फिर अपने साइन कर दे उस इंटरलिनेशन पे, ब्लैंक पे, इरेजर पे या फिर अल्ट्रेशन पे, तो फिर वो उसको रजिस्टर कर देगा। If the registering officer registers any such document, he shall at the time of registering the same make a note in the register of such interlineation, blank, erasure or alteration, कि वो अपने register में note कर लेगा अगर इस प्रकार का कोई भी interlineation होता है, blank होता है, erasure होता है, alteration होता है, तो उसको भी वो note कर लेगा। Section 20 के अंदर हमें इतना ही बताया गया। फिर आते हैं हम Section 21 के अंदर, Section 21 हमें बताता है कि कोई भी property होती है तो उसकी डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी है, मैप्स की या फिर प्लान्स की। तो क्या लिखते हैं हम, क्या लिखा हुआ है इस सेक्शन के अंदर कि नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, की कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं लगा दी जाती जिसकी वजह से वो आइडेंटिफाई हो, मतलब कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसी डिस्क्रिप्शन उसके अंदर लगाई जाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो रजिस्टर नहीं होगा। अब जैसे यहाँ सबसेक्शन 2 के अंदर दे रहा है कि किस तरीके से डिस्क्रिप्शन होती है, हाउसेज इन टाउन्स शेल बी डिस्क्राइब्ड सिचुएट ऑन नॉर्थ और अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट और रोड, की
जो टाउन्स के अंदर हाउसेज हैं उसके अंदर बताना होगा कि वो किस तरफ सिचुएट हैं, नॉर्थ के अंदर या फिर अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट और रोड, विच शुड बी स्पेसिफाइड टू विच दे फ्रंट, कि क्या चीज़ उनके सामने है, एंड बाय देयर एग्जिस्टिंग एंड फॉर्मर ऑक्यूपेंसीज, कि क्या उनके अभी प्रेजेंट में ऑक्यूपेंसीज हैं, क्या फॉर्मर ऑक्यूपेंसीज थी, या फिर जो भी उनके नंबर ऑफ नंबर्स इफ़ द हाउसेज इन सच स्ट्रीट्स और रोड्स आर नंबर, कि अगर वो उस रोड के ऊपर का कोई भी नंबर दिए जाते हैं हाउसेज को तो उस हाउस का कितना नंबर है, तो ये लिखना ज़रूरी होता है। सबसेक्शन थ्री बोलता है कि अदर हाउसेज एंड लैंड शेल बी डिस्क्राइब बाई देयर नेम, कि अगर कोई और हाउसेज हैं, कोई भी लैंड्स हैं, तो उनके नेम से उनको डिस्क्राइब किया जाएगा अगर कोई भी है तो, एंड एज बींग द टेरिटोरियल डिवीजन इन विच दे आर सिचुएटेड एंड बाई देयर सुपरफिशियल कंटेंट्स, द रोड्स एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑन विच दे अबट एंड देयर एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंसीज एंड ऑल्सो बट एवर इट इज प्रैक्टिसेबल बाई रेफरेंस टू अ गवर्नमेंट मैप और सर्वे, कि जिस भी तरीके से, मतलब एक पूरी तरीके से हमें पूरी डिस्क्रिप्शन देनी होगी, उसके साइड में क्या है, उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, रोड है इस साइड, ये वाला घर है, उसका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें हमें उसके अंदर बतानी होंगी। ऐसी सबसेक्शन फोर बोलता है कि नो नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ मैप और प्लान ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइज देयर इन शैल बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन अनलेस इट इज़ अकम्पेन्ड बाय अ ट्रू कॉपी ऑफ मैप और प्लान, कि किस तरीके का कोई भी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ क्या नहीं होगा, ट्रू कॉपी नहीं होगी उस मैप या प्लान की, और इन केस सच प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट, और अगर मान लीजिए कि वो जो प्रॉपर्टी है बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक साथ लोकेटेड है, तो बाय सच नंबर ऑफ ट्रू कॉपीज ऑफ द मैप्स और प्लान्स एज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट, तो जितनी डिस्ट्रिक्ट हैं उतने ही मैप्स या फिर ट्रू कॉपीज लगेंगे, मैप्स और प्लान की जो है ट्रू कॉपी लगेगी उतने ही नंबर के अंदर जितनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है। तो सेक्शन 21 के अंदर हमें इतना ही बताया गया। फिर सेक्शन 22 के ऊपर आएँ तो ये हमें बताता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेज एंड लैंड बाय रेफरेंस टू गवर्नमेंट मैप्स और सर्वेज, कि किस तरीके से जो हाउस या फिर लैंड है उनकी डिस्क्रिप्शन देनी है रेफरेंस देके गवर्नमेंट मैप्स या फिर सर्वेज की। वेयर इट इज़ इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट प्रैक्टिसेबल टू डिस्क्राइब हाउसेज नॉट बीइंग हाउसेज इन टाउन्स एंड लैंड्स बाय रेफरेंस टू अ गवर्नमेंट मैप, कि जहाँ पे भी ऐसे प्रैक्टिसेबल है कि जो कोई भी प्रॉपर्टी होती है उसको किस तरीके से स्पेसिफाई किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से रेफरेंस देके गवर्नमेंट मैप्स या सर्वेस से, तो द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट रिक्वायर दैट सच हाउस एंड लैंड एज अफोर्सेड शैल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 21 बी सो डिस्क्राइब, तो फिर उसको उसी हिसाब से डिस्क्राइब किया जाएगा। जैसे भी हमने सेक्शन 21 के अंदर पढ़ा था कि अगर गवर्नमेंट मैप्स के हिसाब से डिस्क्रिप्शन देनी है तो फिर उस हिसाब से उसके अंदर डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाई एनी रूल मेड अंडर सबसेक्शन 1, फेलियर टू कम्प्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 शैल नॉट डिसएंटाइटल डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर, कि अगर उसका फेलियर भी हो जाता है आपसे, कि अगर मान लीजिए आप सबसेक्शन 2 या सबसेक्शन 3 नहीं फॉलो कर पाते सेक्शन 21 का, तो वो आपको डिसएंटाइटल नहीं कर देगा उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर होने से। इफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी टू विच इट रिलेट इज सफिशियंट टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉपर्टी, कि अगर जो भी उसके अंदर डिस्क्रिप्शन दी जा रही है वो इतनी सफिशिएंट है कि उस प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन आराम से हो जाएगा, तो फिर उस व्यक्ति को डिसएंटाइटल नहीं किया जाएगा कि उसकी प्रॉपर्टी रजिस्टर ना हो। फिर आते हैं सेक्शन 23 के ऊपर जो हमें बताता है टाइम फॉर प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स, कि किस वक्त हमें डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंड इन सेक्शन 24, 25 एंड 26, नो डॉक्यूमेंट्स अदर देन विल शैल बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन अनलेस प्रेजेंटेड फॉर दैट पर्पस टू द प्रॉपर ऑफिसर विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, कि हमें कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है विल को छोड़ के उसको कितने मंथ के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए लेके जाना है विद इन 4 months ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, कि जिस दिन भी उसका एग्जीक्यूशन हुआ है उसके विद इन 4 months हमें रजिस्ट्रेशन के लिए उसको लेके जाना है। प्रोवाइडेड दैट द कॉपी ऑफ द डिग्री और ऑर्डर मे प्रेजेंटेड विद इन 4 months फ्रॉम द डे ऑन विच द डिग्री और ऑर्डर वॉज मेड और वेयर इट इज़ अपीलेबल विद इन 4 months फ्रॉम द डे ऑन विच इट बिकम्स फाइनल, कि कोई भी डिग्री या ऑर्डर है तो उसको भी हमें विद इन 4 months में देना है जिस दिन वो डिग्री या ऑर्डर आई थी, और अगर वो अपीलेबल है तो अगर उसके अंदर अपील में गए तो उसके 4 महीने के अंदर अंदर जब वो फाइनल हो जाती है जो भी अपील थी। फिर हम आते हैं सेक्शन 23A के ऊपर। सेक्शन 23A हमें बोलता है कि री रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन डॉक्यूमेंट्स, की कुछ डॉक्यूमेंट्स की री रजिस्ट्रेशन होती है अगर वो ऐसे व्यक्ति के द्वारा रजिस्टर हो जाती है जो उसको करने के लिए ऑथराइज नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर देता है जिसके अंदर वो एजेंट है, लेकिन उसको एजेंट अपॉइंट नहीं किया गया था, उसके बावजूद भी वो उसको रजिस्टर करा देता है, और जो रजिस्ट्रार होता है उसको भी लगता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है एज ए एजेंट अपॉइंट किया गया था, लेकिन उसको गलत तरीके से वो रजिस्टर करा लेता है, तो इस जगह पे जो ओरिजिनल ऑनर होता है वो उसको रजिस्टर दोबारा से करा सकता है। यहाँ पे अगर हम रीड करें, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्री कंटेंट इन दिस एक्ट इफ एनी केस अ डॉक्यूमेंट रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन हैज बीन एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार फ्रॉम अ पर्सन नॉट ड्यूली एम्पावर्ड टू प्रेजेंट द सेम, कि उस व्यक्ति के द्वारा
उसको रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया कि जो कि एम्पावर्ड नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए एंड हैज़ बीन रजिस्टर्ड एंड एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर सच डॉक्यूमेंट मे विद इन 4 मंथ फ्रॉम हिज फर्स्ट बिकमिंग अवेयर। और अगर कोई भी व्यक्ति जिसको पता चलता है उसके विद इन 4 मंथ्स के अंदर अंदर अगर वो अप्लाई कर देता है उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करने के लिए, अवेयर दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट इज इनवैलिड, प्रेजेंट सच डॉक्यूमेंट और कॉज द सेम टू बी प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 6 फॉर री रजिस्ट्रेशन इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द डॉक्यूमेंट वॉज ओरिजिनली रजिस्टर्ड एंड अपॉन द रजिस्टर बीइंग सैटिस्फाइड दैट द डॉक्यूमेंट वॉज सो एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम अ पर्सन बीइंग नॉट ड्यूली एम्पावर्ड टू प्रेजेंट द सेम ही शैल प्रोसीड टू री रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एज इट हैज नॉट बीन प्रीवियसली रजिस्टर्ड। तो भाई उसको लगता है जो रजिस्ट्रार है ये तो गलत तरीके से रजिस्टर्ड हो गए, तो फिर वो उसको दोबारा से रजिस्टर कर लेता है अपने ऑफिस के अंदर इस तरीके से कि जैसे कि इसको पहली बार ही रजिस्टर किया जा रहा है। एंड इफ सच presentation for registration was a presentation for registration made within the time allowed therefore under part 4 and all the provisions of this act as to registration of document shall apply to such re-registration, तो उस re-registration के ऊपर भी जो भी सारे provisions है इस act के वो सारे apply होंगे अगर उसको within time prescribed part 4 of this act के अंदर apply कर दिया जाता है तो। And such documents if duly registered in accordance with the provisions of this section shall be deemed to have been duly registered for all the purpose from the date of the original registration. तो उसको फिर सभी purpose के लिए जो भी original date की registration थी उससे उसको registered मान लिया जाएगा। Provided that within 3 months from the 12th day of September 1917, any person claiming under a document to which this section applies may present the same or cause the same to be presented for re-registration in accordance with this section. Whatever may have been time when he first became aware that registration of the document was invalid. फिर उसके बाद हम आए अगर सेक्शन 24 के ऊपर, वो हमें बताता है कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्सन एट डिफरेंट टाइम्स, कि अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिनको बहुत सारे पर्सन के द्वारा अलग अलग पर्सन के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे एग्जीक्यूट किया गया तो क्या होगा। वेयर देर आर सेवरल पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ डॉक्यूमेंट एट डिफरेंट टाइम्स सच डॉक्यूमेंट मे बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड री रजिस्ट्रेशन विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ईच एग्जीक्यूशन। तो जब भी वो जितनी भी बार भी एग्जीक्यूट होता जाएगा उसके विद इन 4 मंथ्स वो रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट हो जाना चाहिए, मतलब जब भी एग्जीक्यूट हुआ उसके विद इन 4 मंथ्स, जब भी एग्जीक्यूट हुआ उसके विद इन 4 मंथ्स रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट हो जाना चाहिए रजिस्ट्रार के सामने। फिर सेक्शन 25 हमें बताता है प्रोविजंस वेयर डिले इन प्रेजेंटेशन इज अनअवॉइडेबल। यहाँ पे अगर हम सेक्शन 23 को भी साथ में रीड करें तो वो बेटर होगा, मतलब सेक्शन 23 के अंदर ये बताया गया था कि हमें विद इन 4 मंथ्स रजिस्ट्रेशन करानी होती है किसी भी डॉक्यूमेंट की विल को छोड़ के, लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है इफ़ ओइंग टू अर्जेंट नेसेसिटी और अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट, कि अगर कोई ऐसी अर्जेंट नेसेसिटी थी या फिर कोई अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट हो गया, एनी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड और अ कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर मेड इन इंडिया इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन टिल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम हेयर इन बिफोर प्रेस्क्राइब, कि उतने टाइम के अंदर उसको नहीं दिया गया जितने टाइम के अंदर दिया जाना चाहिए उस डॉक्यूमेंट को जो एग्जीक्यूट हो गया या फिर कोर्ट का ऑर्डर या डिक्री थी, मतलब जो 4 महीने का टाइम है उसके अंदर उसको नहीं लेके जाया गया। तो ऐसे केस के अंदर द रजिस्ट्रेशन इन केस वेयर द डिले इन प्रेजेंटेशन डज नॉट एक्सीड 4 मंथ्स मे डायरेक्ट दैट, तो अब यहाँ पे अगर 4 महीने तो पहले उसके एक्सीड हो गए लेकिन उन 4 महीने बीतने के बाद भी अभी 4 महीने एक्सीड नहीं हुए, मतलब अभी 8 महीने एक्सीड नहीं हुए, तो वो जो रजिस्ट्रार है वो अलाउ कर सकता है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन उसके अंदर फीस पे करनी पड़ेगी जो फीस जो है 10 गुना से ज़्यादा नहीं होगी जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है उससे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना कितनी भी हो सकती है लेकिन 10 गुना से ज़्यादा नहीं होगी, और उस डॉक्यूमेंट को वो रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट कर लेगा। एनी एप्लीकेशन फॉर सच डायरेक्शन मे बी लॉज विद सब रजिस्ट्रार हु शैल फॉरवर्ड टू द रजिस्ट्रार टू होम ही इज सबॉर्डिनेट, तो इस तरीके की कोई भी अगर एप्लीकेशन आती है तो सब रजिस्ट्रार के पास, तो वो क्या करेगा उसको रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड कर देगा जिसके भी वो सबॉर्डिनेट है, फिर वो बताएगा कि किस हिसाब से इसके अंदर काम करना है। फिर सेक्शन 26 के ऊपर आएँ तो डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ इंडिया, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो इंडिया से बाहर एग्जीक्यूट होते हैं तो उसके अंदर क्या होगा। वेन डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टीज आउट ऑफ इंडिया इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन टिल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम हियर इन बिफोर प्रेस्क्राइब, कि भाई अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है इंडिया से बाहर एग्जीक्यूट होते हैं और उसको विद इन 4 मंथ्स प्रेजेंट नहीं किया जाता रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इस केस के अंदर जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है अगर वो इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि दैट द इंस्ट्रूमेंट वाज सो एग्जीक्यूटेड, कि जो इंस्ट्रूमेंट था वो पूरा एग्जीक्यूट हुआ था एंड दैट इट हैव बीन प्रिस्क्राइब प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 4 मंथ्स आफ्टर इट्स अराइवल इन इंडिया, और वो जब भी इंडिया के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स आए उनको विद इन 4 मंथ्स अराइवल के जब भी वो आए थे उसके रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के सामने ले जाया जा चुका है। मे ऑन पेमेंट ऑफ द प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फी एक्सेप्ट सच डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, और जो रजिस्ट्रार है फिर उसके लिए अगर कोई प्रॉपर जो भी जितनी भी रजिस्ट्रेशन फी है उसकी रजिस्ट्रेशन उसको एक्सेप्ट कर सकता है अगर वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फी पे की जाती है और विद इन 4 मंथ्स इन द अराइवल ऑफ इन इंडिया उसको उसके सामने ले जाया जाता है। तो
फिर सेक्शन 27 बोलता है विल मे बी प्रेजेंटेड और डिपॉजिटेड एट एनी टाइम, कि जो विल है उसको किसी भी टाइम पे प्रेजेंट किया जा सकता है या फिर डिपॉजिट किया जा सकता है, कि अ विल मे एट एनी टाइम बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन और डिपॉजिटेड इन मैनर हियर इन बिफोर प्रोवाइडेड, कि कभी भी किया जा सकता है। जो टाइम वो जो 4 महीने 8 महीने का दिया गया वो विल के ऊपर जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर सेक्शन 28 को देखें तो बताता है प्लेस फॉर रजिस्ट्रिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू लैंड, किस जगह पे रजिस्ट्रेशन होगा जो डॉक्यूमेंट्स लैंड से रिलेटेड होते हैं उनका। इज सेव एज इन दिस पार्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड एवरी डॉक्यूमेंट मेंशन इन सेक्शन 17, कि हर एक डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 17 के अंदर मेंशन है सब सेक्शन 1 क्लॉज ए बी सी डी ई सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 इन सो फार एज मच डॉक्यूमेंट अफेक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सेक्शन 18 क्लॉज ए बी सी एंड सी सी शैल बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन इन द ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार विद इन हुज सब डिस्ट्रिक्ट द होल और सम पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी टू विच द डॉक्यूमेंट रिलेट इज सिचुएट, कि जहाँ पे भी वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट है एग्जीक्यूट हुए हैं उस जगह पे उसको रजिस्टर कराना होगा, वहाँ के रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्ट्रार के सामने उसको प्रेजेंट करना होगा। फिर आते हैं हम सेक्शन 29 के ऊपर, प्लेस फॉर रजिस्ट्रिंग अदर डॉक्यूमेंट्स, कि ये जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए इनके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स है तो उसको किस जगह पर रजिस्टर किया जाएगा। एवरी डॉक्यूमेंट नॉट बीइंग अ डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 28 और अ कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर मे बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन इधर इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार इज हूज सब डिस्ट्रिक्ट द डॉक्यूमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड, कि जिसकी भी सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस भी सब रजिस्ट्रार की सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुए उस जगह पर उसको प्रेजेंट किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए, और इन द ऑफिस ऑफ एनी अदर सब रजिस्ट्रार अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एट विच ऑल द पर्सन एग्जीक्यूटिंग एंड क्लेमिंग अंडर द डॉक्यूमेंट डिजायर द सेम टू बी रजिस्टर, कि जहाँ पे भी वो चाह रहे हैं उस जगह पे भी वो उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, जितने भी पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व हैं जो भी पर्सन उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्लेम कर रहे हैं अगर वो चाह रहे हैं कि इस जगह पे रजिस्टर हो तो उस जगह पे भी उसको रजिस्टर कराया जा सकता है, मतलब किसी डिफरेंट जगह पे भी उसको रजिस्टर कराया जा सकता है। अ कॉपी ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर मे बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन इन द ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार इन हूज सब डिस्ट्रिक्ट द ओरिजिनल डिक्री और ऑर्डर वॉज मेड, तो जहाँ पे भी जिस भी सब रजिस्ट्रार की सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओरिजिनल डिक्री या ऑर्डर किया गया था उसको वहाँ पे प्रेजेंट किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसी डिक्री या ऑर्डर को। और वे द डिग्री ऑर्डर डज नॉट इफेक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जहाँ पे वो डिग्री या ऑर्डर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को इफेक्ट नहीं कर रही इन द ऑफिस ऑफ एनी द सब रजिस्ट्रार अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एट विच ऑल द पर्सन क्लेमिंग अंडर द डिग्री और ऑर्डर डिजायर द कॉपी टू बी रजिस्टर, तो जहाँ पे भी सारे क्लेमेंट या जहाँ पे भी सारे एग्जीक्यूटिव चाह रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर हो उस जगह पे उसको रजिस्टर कराया जा सकता है उस स्टेट के अंदर। फिर सेक्शन 30 बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार इन सर्टन केसेस, एनी रजिस्ट्रार मे इन इज डिस्क्रिप्शन रिसीव एंड रजिस्टर एनी डॉक्यूमेंट विच माइट बी रजिस्टर्ड बाय एनी सब रजिस्ट्रार सबॉर्डिनेट टू हिम, कि किसी भी केसेस के अंदर या किसी सर्टन केसेस के अंदर जो रजिस्ट्रार होता है वो उसके अंदर जितने भी सब रजिस्ट्रार आते हैं उनके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स आने होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकता है। तो इसके अंदर हमने सेक्शन 30 तक समझा, अब आगे के जो सेक्शन थे 31 से वो हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर या ऑडियो लेसन्स के अंदर देखेंगे।